गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल सुबह सुबह में, अभी सुबह नहीं हुआ है, अभी रात है दोस्तों। अभी भी हम सो के उठे हैं और आपको लेके चलते हैं विजिट हुए धाम, दर्शन करवाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से अब चल रहे हैं नहाने के लिए, नहा के फिर कपड़ा वपड़ा पहन के फिर चलते हैं दोस्तों। अभी हमारी वीडियो बने रहेगी। जय जय रंगली की। दोस्तों आज हम जा रहे हैं विजेट के दर्शन करने, तो चलिए दोस्तों आप सबको लेके चलते हैं विजेट के मंदिर पे। और दोस्तों सुबह का हो रहा है, 5 बज रहा है दोस्तों, और हम घर से निकलने वाले हैं। देखिए दोस्तों अभी हम घर पे हैं, तो हमारा मंदिर है, तो दोस्तों हम निकलने वाले हैं। आइए चलते हैं आपको लेके सीधा विजेट के मंदिर पर। और दोस्तों हमें बाइक से सफ़र करना पड़ेगा, और बाइक से ही हम लोग चलेंगे। और सुबह सुबह दोस्तों बहुत सुंदर लग रही है, और जहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा उजाला हो चुका है, और मौसम बहुत ठंडा है, तो यहीं से हमें घूमना है दोस्तों। यहाँ से हम सीधे चलेंगे ढाकवा चौराहा से, ढाकवा चौराहा से फिर हो जाएंगे हम बीजेपी वाले रोड पे। दोस्तों ऐसे लगातार हमारे वीडियो में बने रही कि हम पहुंच गए गोमती के पुल पे। यहाँ से अभी लगभग हमें 15-16 किलोमीटर भी जाना है। चलिए दोस्तों आपको जल्द जल्द हम पहुंचाते हैं मंदिर के पास। आइए हमारे वीडियो को लगातार बने रहिए। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ज़रूर, और ऐसे दोस्तों प्यार बनाए रखिए। आपके लिए हम ये सब कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो का मेन गेट यही है, और हम लोग मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, और आपको लेके चलते हैं अब सीधा मंदिर पे। दोस्तों हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, और अभी अभी हम गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करके आ रहे हैं और चल रहे हैं मंदिर के पास। आइए दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको लेके चलते हैं बिल्कुल मंदिर के पास। दोस्तों आपको लेके चलते हैं मकर कुंड, जहाँ पे स्नान किया जाता है, यही है दोस्तों मकर कुंड। यही है दोस्तों वह कुंड जहाँ पे मकराध्वज को हनुमान जी मारे थे एक लात, और चले गए थे पताल पे। दर्शन कर तो भाई ना कहे नहाए गरम पानी हुआ फिसलत बहुत ना फिसलत है। चलिए दोस्तों लेने चल रहे हैं प्रसाद, प्रसाद लेके फिर चलते हैं दर्शन के लिए। जान लिया गया गाड़ी। दोस्तों हम लोग प्रसाद लेके निकल चुके हैं दर्शन के लिए, तो हम चल रहे हैं सीधा मंदिर के पास। सामने मंदिर दिख रहा है, हमारा
लाइन यहीं से है, ये लाइन में लगना पड़ेगा, ये लाइन पड़ेगा चालू है। दोस्तों आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज मंगलवार का दिन है, हमारे लेकिन बने रहिए, हम आपको दर्शन करवाएंगे आज। दोस्तों हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। आज मंगलवार का दिन दोस्तों, पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, आइए दिखाते हैं इधर से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का लाइन जबरदस्त लाइन दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी है, और सब कैसे कैसे आ रहे हैं लाइन से देखिए दोस्तों, कुछ लोग बीच से घुस जा रहे हैं दोस्तों, हम भी घुस गए हैं बीच से, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ठीक बा, आवा 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 लाइन बाटे आवा, दोस्तों हम अपनी गेट में पहुँच चुके हैं, यहाँ से देखिए गरम गली बरगद हाथ में लेके खड़े हुए हैं, दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, देखिए भैया हमारे कर रहे थे, हम लोग वीडियो बना लीजिए, सब लाइन में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, बजरंग बली के करीब से हम लोग जा रहे हैं, और लाइन इतना ज़्यादा लंबा है कि इतने में काफ़ी लाइन लग रहा है, तो भी हमारे पहले लग रहे हैं आपको हम करते हैं बिल्कुल मंदिर के पास। दोस्तों हम बिल्कुल दरवाजे पर पहुँच चुके हैं, वहाँ से अब हम अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। जय बजरंग बली दोस्तों, आइए सर झुकाते हैं, प्रवेश करते हैं अंदर, चलते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी के पास, उनका दर्शन करते हैं दोस्तों, और दर्शन करके फिर निकलेंगे बाहर। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, और हम बजरंग बली जी के पीछे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बजरंग बली जी विराजमान हैं। आइए दोस्तों ऊपर देखिए, इतने अच्छे से सजावट हुई है दोस्तों, लोग कैसे कैसे सजाए हैं अब उन्हीं को पता है। और देखिए दोस्तों, ये मुकुट है बजरंग बली का, और माला फूल से इतना ढक दिए हैं, इतना ढक दिए हैं कि वो एकदम ढक गए हैं बजरंग बली जी। दोस्तों बिल्कुल हम सामने पहुंचने वाले हैं, आपको दर्शन करवाएंगे बजरंग बली का, सीधा दर्शन आपका होगा दोस्तों। जो भाई जैसे जिसकी मन्नत है, अगर उनको दिल से दिल में रख के उनका ध्यान करके कुछ भी कहें तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों बस
हम उनके सामने पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार और दोस्तों का, और इतनी भीड़ है कैमरा यहाँ पे चलाना संभव है। दोस्तों हम आगे बिल्कुल सामने जी दर्शन करके बजरंग बली का बोल दीजिए दोस्तों, बजरंग बली की जय। तो दोस्तों आज हम आपको दर्शन करवाएं, और दोस्तों हमें यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो चलते हैं बाहर। अरे दोस्तों बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, आपको हम दर्शन करवा दिए हैं। अरे दोस्तों दोस्तों हम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। जय हो बजरंग बली। बहुत ज्यादा है, वापस निकलने में दिक्कत हो रही है। हम तो आ गए बाहर दोस्तों। दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, और हमारे साथ जो जो आदमी हैं वो बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ जितने लोग थे सब आ गए बाहर, और हमारे दिनेश भैया भी आ गए हैं, और हम चल रहे हैं अब दूसरे मंदिर पे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, इसके बाद प्रसाद उरसाद खाएंगे, फिर चलेंगे घर। यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है, सबसे शुद्ध प्रसाद है, तो आए भाई यहीं से प्रसाद ले।